जयपुर से खबर है जहां राजस्थान यूथ कांग्रेस ने 60 और पदाधिकारियों को हटाया है। निष्क्रियता के चलते प्रदेश पदाधिकारियों की छुट्टी की गई है। प्रदेश महासचिव और प्रदेश सचिव जैसे पदों से छुट्टी हुई है और साथ ही 43 नए जिला प्रभारियों की सूची भी जारी की गई है और वो सूची इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से, जहां राजस्थान यूथ कांग्रेस ने 60 और पदाधिकारियों को हटा दिया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, इस वक्त तस्वीर हम दिखा रहे हैं, सूची वो दिखा रहे हैं कई नामों की। लगातार निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी कर रहे हैं। अब से थोड़े दिन पहले कई विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको हटा दिया गया था और अब करीब 60 जो प्रदेश कार्यकारिणी में पदाधिकारी थे, कोई प्रदेश महासचिव था, कोई सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर और सेक्रेटरी था, उनको यहाँ पर पदमुक्त यहाँ पर कर दिया गया है और जल्द ही नए पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। और थोड़े दिन बाद जो यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और उनकी कार्यकारिणी है, उनके काम की भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट की समीक्षा होगी और उसके बाद वहाँ भी छंटनी का दौर है वो शुरू होगा। साथ ही नए प्रभारी भी यूथ कांग्रेस संगठन की तरफ से लगाए गए। 43 जिला प्रभारियों की यहाँ पर नियुक्ति हुई है और जिस तरह अभिमन्यु पूनिया प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद उन्होंने काफी समय दिया पदाधिकारियों को जिले से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी तक, लेकिन लगातार पार्टी के संगठन के दिशा निर्देश उन्होंने माने नहीं चाहे। संगठन जब भी कभी भीड़ लेकर दिल्ली जाता है तो उन्होंने फोन तक रिसीव नहीं किए, इस तरह ये जो पदाधिकारी है उनकी कार्य प्रणाली थी। लिहाजा आज भी 60 पदाधिकारियों को रवाना कर दिया गया है संगठन से और आने वाले दिनों में कुछ जिलाध्यक्ष है उनकी भी छंटनी और छुट्टी है वो यहाँ पर की जाएगी। और खास बात है कि आवेदन अब मांगे गए हैं, जिन नए पदाधिकारियों की नियुक्तियां होंगी उनके लिए बाकायदा संगठन ने आवेदन मांगे। एक नया एक्सपेरिमेंट अग्रिम संगठन यूथ कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर किया गया है। पीसीसी में ये आवेदन दिए जाएंगे, प्रदेश सचिव, प्रदेश महासचिव, स्टेट कोऑर्डिनेटर, जिलाध्यक्ष और कार्यकारी विधानसभा अध्यक्ष पदों के लिए। बिल्कुल दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम अपडेट्स के लिए।